गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक अच्छा स्किन केयर का जो स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। एंड स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजर। तो हमें फर्स्ट स्टेप अपने स्किन के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए कौन सा क्लींजर हमें शूट करेगा, वो हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है। तो मार्केट में तो बहुत सारे क्लींजर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप कोई भी परचेज कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको कोई भी परचेज नहीं करना है, आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही परचेज करना है, ताकि आप फर्स्ट स्टेप जब अच्छा करोगे तो आपका आगे का जो स्टेप है बहुत अच्छे से इनहेंस होकर आएगा। अगर आप फर्स्ट स्टेप ही अच्छा चूज नहीं करते हो, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज नहीं करते हो, जो कि आपकी स्किन पे शूट नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट अच्छा कैसे होगा? तो हमें एक बेस्ट क्लींजर चूज करना है। हमें जो भी फेस क्लींजर यूज करना चाहिए वो पीएच बैलेंस फेस क्लींजर होना चाहिए। पीएच बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फेस के लिए। आप पूछोगे पीएच बैलेंस फेस क्लींजर क्या होता है, तो पीएच बैलेंस क्लींजर एक ऐसा क्लींजर होता है जो हमारे स्किन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हमारी स्किन का पीएच जो होता है 5.5 होता है, उसको मेंटेन करके रखता है। अगर ये ज्यादा या कम हो जाएगा तो हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, ज्यादा ऑयलीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कुछ इस तरह का हमें पीएच बैलेंस क्लींजर चूज करना चाहिए जो कि हमारे फेस के लिए अच्छा हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे क्लींजर शेयर करने वाली हूँ जो कि काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी। एंड इसकी प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, इसे यूज करके भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, पैकेजिंग, एवरीथिंग इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लींजर है ग्वावा ग्लो जूसी क्लींजर फॉर स्किन ब्राइटनिंग विथ विटामिन सी। तो इसमें विटामिन सी है जो कि आपके स्किन को इन्हांस करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये कुछ इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग के साथ आता है। इसमें नेचुरल फ्रूट एंड एक्टिव यूज किया गया है जो कि विजिबल रिजल्ट देगा फर्स्ट वॉश में ही। ये स्किन को ब्राइट करेगा एंड डार्क स्पॉट के अपीयरेंस को कम करेगा, साथ ही स्किन के पीएच को बैलेंस करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये फेस के ऑयल को बिना छेड़े हुए फेस को क्लीन करता है एंड प्रमोट करता है मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन। इसे यूज करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इरिटेशन नहीं होगा। इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी यूज नहीं किया गया है एंड इसे आप ऑल स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हो। ये कूपन कोड आपको कर रही हूँ GLOW15, जो कि आप यूज करते हो तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप परचेज करते हो तो। सो गाइस, सेकेंड फेस वॉश है ये पिलग्रिम का सेलेसेलिक एंड गैलकोलिक एसिड फॉर्मिंग फेस वॉश। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आ जाता है, आपको कार्डबोर्ड की पैकेजिंग मिल जाएगी, काफी अच्छी पैकेजिंग है। फॉर्मिंग फेस वॉश है जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको अवेलेबल होगा। तो कुछ इस तरह से आपको पंप करके इसे यूज करना है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारे आपको फेस वॉशेस मिल जा रहे हैं। इसमें सेलेसाइक्लिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया गया है। तो हम 1x1 जान लेते हैं सेलेसाइक्लिक एसिड फेस वॉश में कैसे हमें हेल्प करने वाला है। तो सेलेसाइक्लिक जो एसिड होता है वो क्लॉक पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है, डेड स्किन सेल्स को लूज करता है एंड सीबम सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज किया गया है, तो उसकी हेल्प से एक्ने से फाइट करता है एंड डेड स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है एंड स्किन को हाइड्रेट करता है। ये फेस वॉश बेस्ट है ऑयली, एक्ने प्रोन एंड ब्लेमिशेस वाले स्किन के लिए बेस्ट है। एक कूपन कोड प्रोवाइड कर रही हूँ जिसे आप यूज करोगे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। फेस वॉश 15 इसका कूपन कोड है। इस फेस वॉश है जस्ट हब का पपाया प्लस लेमन स्पॉट कंट्रोल फोमिंग फेस वॉश। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। एक फोमिंग फेस वॉश है, आपको सिलिकॉन ब्रश प्रोवाइड होगा जिसे आप यूज करोगे तो आपके फेस पे काफी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है इसे यूज करने से, क्योंकि ये हल्का फुल्का आपको स्क्रबिंग का भी काम कर देता है। तो कुछ इस तरह को आपको ये फेस वॉश मिल जाता है। ये फेस वॉश स्पॉट को कम करता है एंड स्किन को यंग और यूथफुल बनाता है। इसे आप ऑल स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हो। इसके रेगुलर यूज से ये कोलाजन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है जिससे आपके जो ब्लैक स्पॉट्स हैं या फेस पे कोई भी दाग है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके फेस पे कोई डार्क स्पॉट है या पिंपल्स के कोई भी स्पॉट छूट गए हैं तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे आपको यूज करना है। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके फेस पे कोई पिंपल है तो इसे रब नहीं करना है वहां पे। इसका मैं कूपन कोड प्रोवाइड कर रही हूँ स्किन ग्लो 15, जिसे आप यूज करोगे तो काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्योर सेंस का ग्रेपफ्रूट रिवाइटलाइजिंग फेस क्लींजिंग जेल। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, खूबसूरत सी पैकेजिंग है, फॉर्म पैकेजिंग है, तो आप इसे आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो। ये एक एवरीडे फेस वॉश है, इसे आप रेडियंस फ्री स्किन बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में आपको यूज किया गया है। ये फेस को डीपली क्लीन करता है, ये विटामिन सी से भरपूर है, तो ये ट्रांसफॉर्म करता है डल कॉम्प्लेक्शन को, ये कोलाजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है,
फ्री फ्रॉम पैराबिन सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। सो गाइज मैंने ये चार फेस वॉश आपके साथ शेयर किए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग इसे परचेज करना है। सभी के लिए मैंने कूपन कोड प्रोवाइड किए हैं, वो कूपन कोड जरूर लगाइएगा, लिंक जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।